And we are now cutting across to Prime Minister Narendra Modi, who is in fact in poll bound Rajasthan. So it's a Modi blitzkrieg there. Let's take a look. घर से बाहर निकलना यानी मौत को बुलावा देना, ये हाल थे। बाहर कारोबार ठप हो गए थे, लेकिन ये आपका सेवक सोता नहीं था। और मैंने तब किया था कि 80 करोड़ मेरे देशवासी इनके घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। गरीब को भूखा सोने नहीं दूंगा। मां की आंख में आंसू आने नहीं दूंगा। और देशवासियों ने जो टैग दिया उसे हमने अपने पास नहीं रखा, बल्कि बंड छको यानी गरीबों की थाली के लिए दे दिया। और भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, जब भूखे को खाना मिलता है तो वो आशीर्वाद देता है कि नहीं देता है? जरा वो पीछे स्टेडियम है वो भी बताइए, आशीर्वाद देता है कि नहीं देता है? ऐसा कोई पवित्र काम करे तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? जब इस देश के 80 करोड़ लोगों को 3 साल से मुफ्त में खाना मिल रहा है तो आशीर्वाद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये पुण्य किसके खाते में जाएगा? जरा जोर से बताइए, पुण्य किसके खाते में जाएगा? पुण्य किसके खाते में जाएगा? पुण्य किसके खाते में जाएगा? पीछे वाले बताएं, पुण्य किसके खाते में जाएगा? आप सबका जवाब गलत है। ये पुण्य मोदी के खाते में नहीं, ये पुण्य आपके खाते में जाएगा जिन्होंने वोट देकर मोदी को बिठाया है। आपने मोदी को बिठाया इसलिए मोदी ये सेवा कर पा रहा है, और इसलिए इस पुण्य के हकदार आप हैं। आपके वोट के कारण ये पुण्य का काम हो रहा है, और इसीलिए आपका पुण्य और बढ़े, आपको भरपूर आशीर्वाद मिले, इसलिए मोदी ने संकल्प किया है कि 80 करोड़ लोगों को और 5 साल के लिए ये मुफ्त राशन दिया जाएगा। हमने टैक्स के पैसों से गरीबों को पक्के घर बना करके दिए, और अभी मुझे हेलीपैड पर कुछ साथियों से बात करने का मौका मिला। वो कह रहे थे, ये पक्के घर जिनके हक बनता था उनको हक दिलाने की रजिस्ट्री भी यहां की सरकार ने बंद करवा दी थी, क्योंकि लोग पक्का मकान मिलता था तो मोदी मोदी करते थे तो इनकी सरकार की नींद उड़ जाती थी, तो उन्हें पक्के घर बनाना ही बंद कर दिया। बोले, हमने पक्के घर दिए, मुफ्त शौचालय दिया, मुफ्त गैस कनेक्शन दिया, मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया। गुरुओं के संस्कारों ने ही मुझे गरीब की सेवा का यह सामर्थ्य दिया है। मेरे परिवारजनों, एक तरफ आपके इस सेवक का सेवा भाव है, और दूसरी तरफ राजस्थान में कांग्रेस सरकार का लूट तंत्र है। राजस्थान के किसान ने, कर्मचारी ने, व्यापारी ने, सबने ईमानदारी से टैक्स दिया, लेकिन बदले में उनको क्या मिला? टूटी फूटी सड़कें, गलियां, नालियां,
बिजली का अभाव, पानी का अभाव, कमर तोड़ महंगाई और बेरोजगारी, जो पैसा गरीब मध्यम वर्ग किसान के हित में लगना चाहिए था उसको विधायक मंत्री लूट गए, उसको खनन माफिया, पेपर लीक माफिया, ट्रांसफर पोस्टिंग माफिया, इस जमात ने लूट लिया। आसपास के राज्यों में देखिए, ये राजस्थान में देखिए, उत्तर प्रदेश में पेट्रोल का दाम देख लीजिए, पड़ोस में गुजरात है उसका पेट्रोल का दाम देख लीजिए, पड़ोस में हरियाणा है उसका पेट्रोल का दाम देख लीजिए। ये तीनों राज्य राजस्थान के अगल बगल में है और तीनों राज्य में भाजपा की सरकार है। आपको यहां जो पेट्रोल डीजल का भाव पैसा देना पड़ता है वहां उससे 12-13 रुपया कम है, यहां आपको 12-13 रुपया लीटर पर ज्यादा देना पड़ता है। ये माल चोरी किसके लिए कर रहे हो रे जादूगर? इससे आम खाने पीने के सामान से लेकर आपकी सिंचाई खेती की लागत तक कई गुना बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल के दाम घटाए, भाजपा की राज्य सरकारों ने पेट्रोल के दाम घटाए, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने ऊपर से आपसे ज्यादा पैसा वसूल करके आपसे हजारों करोड़ रुपए मार लिए। जब भी आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराएं तो ये जरूर याद रखें कि जो पैसा आप दे रहे हैं उसका हिस्सा कांग्रेस की लूट का हिस्सा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कि 3 दिसंबर के बाद यहां जब भाजपा की सरकार बनेगी, ये पेट्रोल के दामों की कीमतों की समीक्षा होगी और जो भी गरीब मध्यम वर्ग किसान के हित में होगा वो निर्णय भी लिया जाएगा। मेरे परिवारजनों, जहां भी कांग्रेस की सरकार होती है वहां उसकी प्राथमिकता भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद होती है। कांग्रेस कभी आपकी जरूरतों की चिंता नहीं रहती। अब तो कांग्रेस राजस्थान में नशे के तस्करों को भी बढ़ावा दे रही है। अभी हमारे साथी मुझे बता रहे थे कि हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, हम अपने बच्चों को कैसे बचाएं। हर मां रात भर रोती रहती हैं कहीं बच्चे इस बुरी आदत में न फंस जाए, ड्रोन से नशा आए, राजस्थान सरकार सोती रहे। और कहते हैं पुलिस को भी पांचों उंगली घी में हो गई है। भाइयों बहनों, ये नशा हमारे बच्चों को ही नहीं हमारे भविष्य को भी तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, एक एक परिवार को बर्बाद कर देगा। मैं आपको भरोसा देता हूं, यहां भाजपा सरकार बनते ही नशे के तस्करों पर ऐसी कार्रवाई होगी, इसे सुनकर के देख करके और लोग भी कांप जाएं, इतनी कठोरता से काम करेंगे। साथियों, और मैं वोट के लिए नहीं कह रहा हूं, आपके बच्चों की जिंदगी बचाना ये मेरा दायित्व है। और इसलिए माताएं बहनें, मेरी ये बात घर घर पहुंचा देना।
इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी चुनौती को कांग्रेस सरकार नजरअंदाज कर रही है। मुझे बताया गया है कि हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर से जब कैंसर ट्रेन बीकानेर जाती है तो उसमें सीटें तक नहीं मिलती, मरीजों की इतनी ज्यादा भीड़ होती है। ये कैंसर का बहुत बड़ा प्रमाण, इतनी बड़ी कैंसर का फैलाव जितने भी कारणों से है, कहते उसमें पानी भी कारण है, प्रदूषित पानी। देश के हर घर तक शुद्ध पीने का पानी से पाइप से पानी पहुंचाने का काम, इसके लिए हमने जल जीवन मिशन अभियान चलाया है। मैंने राजस्थान के आप परिवारजनों को नल के लिए भी हजारों करोड़ रुपए भेजे हैं, लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार ने इसमें भी घोटाला कर दिया और आपको विषैला पानी पीने के लिए छोड़ दिया। मुझे बताइए, जिस कांग्रेस को आपके जीवन की परवाह नहीं है, ऐसी कांग्रेस को एक भी दिन रहने का हक है क्या? आप ऐसी कांग्रेस को रहने देंगे क्या? पूरी तरह से सफाई करेंगे क्या? देखिए, अभी अभी दिवाली गई है, हमारी माताएं बहनें घरों में 15-15, 16-16 घंटे काम करती हैं, हर दिन घर का हर कोना साफ करती है, बहुत बारीकी से करती है। लेकिन जब दिवाली आती है ना, तो खोज खोज करके छोटी छोटे कोने 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 में भी सफाई करती है। दिवाली आई तो इतनी सफाई करती है। मेरे भाइयों बहनों, ये चुनाव भी लोकतंत्र की दिवाली है, ऐसी सफाई करो, कहीं कांग्रेस एक कोने में भी ना बचे। करोगे सफाई? हर कोने से कांग्रेस को साफ करोगे? ये माताओं बहनों से बहुत कुछ सीखने जैसा है जी, सीखोगे? और माताएं बहनें, आप दूसरी दिवाली मनाओगे? आप भी सफाई का काम जारी रखोगे? मेरे परिवारजनों, कैंसर और हर बीमारी का उपचार हो, घर के पास हो, ये भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए हमने हजारों आयुष्मान केंद्र गांव-गांव में खोले हैं।